श्री काशी विश्वनाथ धाम लोकार्पण के उपलक्ष में प्रभात फेरी निकाली गई। श्री काशी विश्वनाथ धाम लोकार्पण के उपलक्ष में प्रभात फेरी दिव्य काशी भव्य काशी के परिप्रेक्ष्य में गुदौलिया चौराहे से निकाली गई। कार्यक्रम का शुभारंभ उत्तर प्रदेश सरकार के राज्य मंत्री डॉक्टर नीलकंठ तिवारी ने किया। अपने उद्बोधन में उन्होंने काशीवासियों से अपील की कि सभी काशीवासी 12, 13 और 14 दिसंबर को दीपोत्सव पर्व के रूप में मनाएं। इस दौरान डमरू दल ने चौराहा स्थित नंदी महाराज की फेरी की। तत्पश्चात ज्ञानवापी स्थित बाबा विश्वनाथ धाम के उत्तरी द्वार पर जाकर कार्यक्रम का समापन किया गया। संकीर्तन प्रभात फेरी के दौरान डमरू दल का डमरू वातावरण को गुंजायमान कर रहा था। डमरू दल का नेतृत्व मोहित चौरसिया ने किया। प्रारंभ में महानगर अध्यक्ष विद्यासागर राय ने डमरू दल के सदस्यों का माल्यार्पण कर उनका उत्साह वर्धन किया। उपस्थित लोग डमरू दल पर पुष्प वर्षा कर रहे थे। इस अवसर पर विशिष्ट अतिथि के रूप में महापौर मृदुला जायसवाल भी उपस्थित रहीं। इस मौके पर कार्यक्रम संयोजक डॉक्टर राजेश त्रिवेदी, अश्विनी पांडे, महानगर मीडिया प्रभारी किशोर कुमार सेठ, अनूप जायसवाल, जगदीश त्रिपाठी इत्यादि बड़ी संख्या में लोग शामिल रहे। श्री विश्वनाथ धाम के निर्माण का संकल्प आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने लिया था, वो पूरा हो रहा है और बहुत जल्द, कुछ घंटों कह लीजिए, कुछ दिनों में इसका लोकार्पण होना है। पूरी काशी, पूरा उत्तर प्रदेश और पूरा देश एक ही भाव में इस समय रंग गया है कि हमें उद्घाटन के दिन, लोकार्पण के दिन 13 तारीख को उत्सव मनाना है। उस उत्सव के माहौल को आज से 5 दिन 10 दिन पहले से ही, महीना भर पहले से भी और महीना भर आगे तक भी मनाने की योजनाओं पर लगातार सुधीजन, काशी के सुधीजन, उत्तर प्रदेश के विद्वज्जन, देश के विद्वज्जन सबने योजनाएं अलग अलग बनाई है। इस योजनाओं में यह आज से प्रभात फेरी यहां से प्रारंभ हो रही है। यह प्रभात फेरी प्रत्येक वार्डों में प्रत्येक दिवस लोकार्पण और लोकार्पण के बाद तक भी चलेगी।